हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पठान मूवी की तरफ से। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे ही मैं अपडेट्स के ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन ये अपडेट ही ऐसी थी कि मेरे को लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि पठान मूवी के जो भी फैंस है यार, ये अपडेट सुनने के बाद ना आप लोग खुश जरूर हो जाओगे और नीचे कमेंट जरूर करोगे कि हाँ अब बात बन गई। सो अपडेट ये आई है कि सिद्धार्थ आनंद ने एक डायरेक्टर को हायर किया है एक्शन के लिए, पठान मूवी के एक्शन के लिए डायरेक्टर को हायर किया है। अब आप लोग बोलोगे इसमें नई चीज़ क्या है यार, वैसे भी बहुत सारे डायरेक्टर तो आते रहते हैं एक्शन के लिए, लेकिन नहीं, ये एक हॉलीवुड के डायरेक्टर है, यानी कि हॉलीवुड में से एक डायरेक्टर को हायर किया है पठान मूवी के एक्शन के लिए। तो उनका नाम है कैसी ओनील। कैसी ओनील को इससे पहले हम लोगों ने हमने देखा था कि मिशन इम्पॉसिबल को उन्होंने डायरेक्ट किया था, इसके बाद में टॉप गन मैविक जो है टॉम क्रूज की, उसको भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, वहां पे भी उन्होंने अपना एक्शन दिया था। और भाई टॉम क्रूज जैसे बंदे को एक्शन देना कोई कम चीज़ नहीं होती है, और उसके बाद में अगर शाहरुख खान को एक्शन दे रहे तो आप लोग ये समझ लो कि भाई वो बंदे का लेवल कितना हाई होगा, वो बंदे की क्या बात होगी कि उसको यहाँ पे हायर किया गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडियन मूवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है और डेवलप्ड हो रही है, तो हम लोगों ने इसके लिए ना थोड़ा सा चीयर्स करना चाहिए। हम लोग बस वो टॉलीवुड साउथ बॉलीवुड मतलब इसी में फंसे रहते हैं यार, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए हम लोगों ने और मूवीज़ को एंजॉय करना चाहिए, मूवीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मूवीज़ है आज बहुत बड़े लेवल पे हिट कर रही है, जो कि एक मूवी लवर का सपना तो होता ही यार कि उनकी मूवीज़ वर्ल्ड वाइड लेवल पे छा जाए, जैसे मार्वल की चलती है, डीसी की चलती है, वैसे यार हम लोग भी सोचेंगे कि हमारी इंडिया की कोई मूवी ऐसी आए जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपना नाम करे। आरआरआर ने किया था डेफिनेटली, लेकिन वो लेवल पे नहीं था यार, वो लेवल पे जाना चाहिए। तो अभी तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है यार आप लोगों को, अगर आप लोग भी अगर पसंद करते हो ना पठान मूवी को, मतलब जो फैंस होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग क्या सोचिए, और मैं मतलब आप खुश हुए या नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ यार कि कुछ ना कुछ एक नया चेंज देखने को मिलेगा, वही वही सेम रूटीन एक्शन देखने से अच्छा रोहित शेट्टी वाला कुछ अभी अलग देखने को मिलेगा हमको। और होप्स हो कैसी ओनील अच्छा काम करे, हम लोगों को वो एकदम टॉप नॉच वाली एक्शंस देखने को मिले जो थिएटर फाड़ दे अपने एक्शन से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये तो था छोटा सा अपडेट। आपको अगर ये अपडेट पसंद आया हो तो कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू। ऐसे ही मूवीज को प्यार देते रहो।